गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे हो? माता ही सबको अच्छा रखे। तो गाइस मैं आज नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ते में है आज चना, और स्वाति ने नाश्ता बनाया था तो चने और चाय। तो आप सब भी आज नाश्ता कर लीजिए आके, और जो युग भी नाश्ता कर रहे हैं और तो फिर कर लेते हैं नाश्ता, फिर आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आप सब बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, तो आप सब देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बताना ज़रूर। और ये देखो मैंने लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई है, डार्क नहीं लगाई है, और बहुत प्यारी भी लग रही है। तो स्वाति बनाने जा रही हैं आज खाने में तैरी। तो हम लोग आज जाएंगे मार्केट, और मार्केट में क्या कुछ काम है, स्वाति अंकुश को सरप्राइज़ देना चाहती हैं, तो आप सब ब्लॉग देख लेना जाके। तो चलते हैं अभी खाना खा पी के जाएंगे मार्केट, फिर आप सब से मिलते हैं। और आप सब खूब सारा प्यार देते रहना, और जैसे अभी तक दे रहे हो वैसे देते रहना, सपोर्ट करते रहना। तो चलते हैं कर लेते हैं, फिर चलते हैं मार्केट, फिर आप सबको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, आप सब से मिलते हैं। और तो गाइस सब खाना खाने जा रहे हैं, और खाने में ये देखते हैं गरम गरम वो स्वाति ने बनाई है। इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग कमेंट करो स्वाति कुछ काम नहीं करती, इसलिए कहे कि कमेंट ना आए थे, तो मैंने नहीं बनाई है। हाँ साथ में करवा देते काम, पर मैंने तैयारी नहीं ये सब्जी अभी काट दी थी मम्मी ने, और बस ठोक नहीं थी तो मैं खा रही हूँ। नहीं नाश्ता तुमने बनाया? हाँ नाश्ता बनाया, नाश्ता स्वाति ने बनाया था। और बाबू सो रहे हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं उन्हें, चड्डी नहीं पहने, कुछ पहने नहीं है। तो गाइस आज मम्मी पार्टी दे रही हैं, कल फोन लेके आई थी मम्मी, तो आज मम्मी पार्टी दे रही है, पिज्जा पार्टी होगी आज। तो चलते हैं अभी, पिज्जा तो आ गया, ये रखा इधर है, तो आप सबको दिखाते हैं। तो ये देखिए युग पिज्जा इतने सॉफ्ट पिज्जा, आपको पसंद है? हाँ मैंने तो खाना खा लिया, ये देखो पिज्जा आ गया। इसमें कितने पिज्जा हैं अभी आपको दिखाएंगे इसमें। तो गाइस सब लोग पिज्जा पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। हाँ युग भी बैठे हैं, और मेरे ध्रुव को कुछ नहीं मिल रहा, बेचारा देख रहा है कि ये लोग क्या खा रहे हैं, हमसे भी नहीं पूछ रहे हैं। बताओ क्या खा रहे हो? मेरा बाबू नहीं खा पा रहा मेरा बाबू। तो गाइस हम लोग मार्केट आए थे, और मार्केट नहीं मतलब कि ऐसे पालन में आए थे, कुछ स्वाति को काम था, और तो अंकुश के लिए सरप्राइज लेना था तो वो ले लिया है। ये देखिए वो भी केक लिया है स्वाति ने, और अंकुश को पता नहीं है, तो हम लोग सरप्राइज देंगे जाके वो केक काटेंगे। मार्केट नहीं गए, पार्लर से काम था, और पार्लर में बात हो गई है, तो अब चलते हैं घर। हैं कुछ और काम है अभी? नहीं नहीं घर चलते हैं, अब घर चलते हैं, फिर मिलते हैं सबसे घर पर, इसीलिए आए थे बस, बाकी चीज़ लेने आए थे। चलते हैं घर। हेलो गाइस, आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, पापा करें आपकी सारी खुशियाँ पूरी हों। तो गाइस मैं अच्छी नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मैं क्यों अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने परसों ब्लॉग बनाया था और मैंने डाला ही नहीं, क्योंकि एक दो कमेंट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग ही बंद कर दूँ, अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, लोग ऐसे कमेंट करते हैं, तो मैंने सोच लिया मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। लेकिन मेरे कुछ कमेंट इतने अच्छे आते हैं जिससे मेरे दिल खुश हो जाता है। सच में नहीं, हम इनके लिए ब्लॉग बनाएंगे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझसे प्यार इतना कर रहे हैं कि उनके ही कमेंट को जवाब दे देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू आप सभी को, जो आज तुम मुझे इतना प्यार करते हो। और कुछ कमेंट ऐसे भी हैं, कुछ कमेंट ये बोलते हैं कि जो अपनी बहन की पड़ी रहती है, मायके रहती है, तो मैं अपनी बहन के लिए जाती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो मैं बहन ही की तो जाती हूँ, कहीं और तो जाती नहीं हूँ, कि मैं कहीं और जा रही हूँ, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? किसी को जब उनको किसी को दिक्कत नहीं है, और ना मेरी फैमिली को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है,
फिर आप सबको क्यों नहीं, मैं आप जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, मुझे अच्छे कमेंट करके मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, उनके थैंक यू बोल रही हूँ। ओ मैं और मैं जाती हूँ अपने उसके लिए और ध्रुव के लिए, ध्रुव यू कितना प्यार करता है, वो खेलता भी उसके साथ जाकर, वो भी मैं सैटरडे जाती हूँ क्योंकि पढ़ाई पूरी करके और जब ट्यूशन में युग पढ़ के तब जाती हूँ, क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है, तो इस दिन उस टाइम मेरे युग भी खेलने का ध्रुव के साथ और बच्चे बच्ची के साथ खेलेंगे, तो इसी वजह से तो आप उन्होंने क्या क्या बोलते रहते हो, तो कुछ बहुत ही गलत कमेंट करते रहते थे। देखो मैं उस पर बिल्कुल मैंने कभी नहीं, मैं सोचा ही नहीं था मैं कमेंट दूंगा ब्लॉग बनाऊँ, मैंने नहीं सोचा मेरे, तो फिर आप सब कहते हो अगर मैं ये ब्लॉग बनाने लगूँ फिर आप ये सब कहोगे ये व्यूज के लिए जरूर कर रही होगी, इस व्यू आपको ये भी हमें आंटे मंजी ब्लॉग में डालूंगी ना, इसमें भी कमेंट जरूर आएगा जिसने ब्लॉग डाला है ना, इसे व्यू बढ़ाने के लिए डाला, और किन बगैर व्यूज के लिए नहीं, मेरे व्यूज के लिए बहुत ऑप्शन है, मैं डाल सकती नहीं ऐसा भी नहीं करूँगी। कब से अंकुश के ब्लॉग में भी मैंने ये बोला था कि आप दोनों की कमेंट उनके भी किए थे कमेंट की इसके फ्रेंड का, मैंने ऐसा कोई नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला मैंने, नहीं बोला वो बाहर जॉब करते हैं है? तो आप सबने इतना कुछ मैंने और ना मैं व्यूज के लिए करूँगी, मैं अपनी लाइफ बताऊँगी जो भी है करूँगी, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी। तो कुछ कमेंट ये थे कि इसके युग के बाप नहीं है, वन बाप का बेटा है और बहुत कुछ, मतलब कि और एक ने तो बहुत ज़्यादा ही बेकार कमेंट किया है उसके नीचे था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये पब्लिक है, और किसी की औरत का नाम लेना मैं उन्हें बदनाम नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, उनका नाम लेके उनकी फैमिली देख के कई ब्लॉग ने ऐसा क्यों बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उनने ये बोला कि इसके बॉयफ्रेंड का ही बेटा है उसके नीचे जो, तो एक ने बोला कि बिन बाप का बेटा है, तो एक ने कमेंट किया कि इसका बॉयफ्रेंड का बेटा है, बहन ऐसा कौन कमेंट करता है, मैंने बाकी कमेंट पढ़े हैं, नहीं पढ़े नहीं मैंने बाकी कमेंट पढ़े, बाकी कमेंट यही आए आप कैसमेंट क्या है, आप कैसमेंट के बारे में बताइए, आप कैसमेंट कहाँ रहते हैं, ये मैंने देखा है, ये मैंने सोचा कि और चलो जब टाइम मिलेगा फिर हम बताएंगे, लेकिन ये मैंने सोचा कोई इतना गंदा कमेंट कर सकता है, एक औरत ओके दूसरी औरत के तुम इतना गंदा कमेंट करोगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था, मैंने सपने भी नहीं सोचा कोई ऐसा कर सकता है। मैं एक आप सबसे एक पूछता हूँ, अगर किसी के हस्बैंड ना दिखे और उसके बच्चे हों तो आप जी कमेंट करोगे इसके बॉयफ्रेंड का ही बेटा है जी, ये कमेंट कर दो। अगर उसका हस्बैंड बाहर जॉब करता हो, उसके हस्बैंड नहीं आ पा रहे हो, उसके बच्चे आसपास खेल रहे हो, तो यही कहोगे इसके बॉयफ्रेंड का ही बेटा होगा, ऐसे बोलोगे। प्लीज़ बहन ऐसे मत बोलिए, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है औरत हो के आप ऐसे मत बोलिए, मेरी कोई प्रॉब्लम है नहीं बता पा रही हूँ, कोई तकलीफ है नहीं बता पा रही हूँ, आप सब सपोर्ट कीजिए कि चलो, मतलब कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया है, उनके दखल मत दीजिए कि उनकी मर्जी खुद बताएंगे आप सबको, हाँ मेरी हम जब हाल लगेगा हम बताना है, लेकिन अभी हमारी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, नहीं बता पा रहे हैं वो, शायद अगर अच्छा अगर मैंने बता भी दिया और कुछ प्रॉब्लम कुछ और ज़्यादा बढ़ गई, कुछ अच्छा होने की जगह और बिगड़ गया, तो ये ज़्यादा बेकार, हम तो अच्छा हो जाए, मेरी जो भी प्रॉब्लम है आप सब दुआ कीजिए जो भी प्रॉब्लम हो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, किसी की औरत के लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैं वैसे कमेंट के ऊपर बनाना नहीं चाहती थी, मैं अपना ही नॉर्मल बनाती हूँ, कभी आपने सिकंद भी नहीं देखा, हमको तो ब्लॉग बनाती हूँ, किसी को हम दिखाना नहीं चाहती मैं कितनी तभी मैं कभी नहीं बताना चाहती, लेकिन एक मैम ने ये कमेंट किया बहुत तकलीफ हुआ, दोनों ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और ऐसे अगर वो ब्लॉग देख रही देखेंगी तो मैम आप जहाँ जोड़िए
आज की वजह से कमेंट ना कर दो। मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं आप सबको समय आने दो। मैं आप सब मेरा देखो, मैंने भी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, समय आएगा मैं आप सबको खुद बताऊंगी कि मेरी ये प्रॉब्लम है। शायद भगवान तारा ने कृपा अच्छा हो जाए, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। जब नहीं होगी, जब नहीं तब मैं आपको बताऊंगी। ये अगर बता के, अगर मैंने आपको बता दिया ये प्रॉब्लम है तो और बात बिगड़ सकती है, क्योंकि ये पब्लिक है। तो मैं सोचती शांति में, जल्दबाजी में कभी फैसला नहीं लेती हूँ, कभी नहीं करती कि जल्दबाजी में ही बोल दूँ। मैं कभी नहीं उसको समय लेती हूँ, क्योंकि समय अगर हमने जल्दबाजी में, जल्दबाजी नहीं, मैं बहुत दिल से लेती हूँ, दिल से कि नहीं ये सही है ये गलत है। मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ, मैं यहाँ से लेती हूँ जब भी कोई फैसला लेती हूँ। तो अगर मेरी प्रॉब्लम है वो आने के समय अगर अच्छा हो तो सही है, अगर कोई भी, मैं आप सबको खुद बताऊंगी मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो कृपया करके इसे कमेंट ना करें, हाथ जो उनकी विनती है ना? और उनके लिए थैंक यू जो आप सब मुझे इतना प्यार करते, इतना सपोर्ट करते हो, दिल से थैंक यू। ऐसी आप जो उनके ऊपर कमेंट करते हो कि उन ऐसे नहीं बोली, और आज तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, असल कमेंट पढ़ती हूँ बहुत तकलीफ होती है, हद से ज़्यादा होती है मुझे तकलीफ। कृपया करके अब मैं आऊँगी तो आपको बाद बताऊँगी, और मैं बहुत जल्द युक्ति पापा की फ़ोटो भी दिखाऊँगी, बहुत जल्द दिखाऊँगी कि आपको जो शंका है वो दिमाग में ना लाए। मैं बहुत जल्द उनकी फ़ोटो दिखाऊँगी, थोड़ा सा एक दो दिन में उनकी फ़ोटो दिखा दूँगी उनके साथ वाली, तो आपको भी ये तकलीफ़ नहीं होगी कि हाँ ये मेरे बॉयफ्रेंड का बच्चा है किसका। और मैं मांग भी भरती हूँ, मैं बहुत जल्द दिखाऊंगी उनकी फ़ोटो। अब कृपा करके अब ये मेरे से ना करें, मेरी प्रॉब्लम और ना बनाए। आप सब मुझे पसंद कीजिए, मेरा ब्लॉग देखिए, अगर आप सबके अच्छे कमेंट आए तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो मैं ब्लॉग बंद कर दूँगी बनाना। मेरे प्रॉब्लम में मेरे साथ दीजिए, मैं खुद आप सबको बताऊँगी। जैसे क्या इतने साल रुक गए तो और कुछ महीने रुक जाइए, अगर भगवान ने चाहिए ये प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी चाहे वो भी सामने आ जाए, हो सकता है चाहे उनके पापा सामने ही आ जाए। तो क्या करके ऐसे कमेंट ना करें, मेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा। हर किसी घर में प्रॉब्लम होती है, किसी घर में प्रॉब्लम नहीं होती, सबके यहाँ प्रॉब्लम होती है। और मेरा ये कोई ब्लॉग नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ आज से ये गिनती थी, ये ऐसे कमेंट। और आप जो मुझसे कहना कह दीजिए, उल्टा सीधा बोलना नहीं, मेरे बच्चे के बारे में मत बोलिए। और ये वर्ड मत निकालिए, मुझे अपने युग से बहुत ज़्यादा प्यार, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार है, उसको देख देख के मैं अपनी जो जिंदगी है वो जी रही। आज जो उनकी विनती है ऐसे मत कहिए।